दोस्तों, आपने कई इंटर रिलीजन शादी के बारे में सुना और देखा होगा। आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने अचानक अपनी शादी का ऐलान किया। इससे न सिर्फ उनके फैंस हैरत में आ गए बल्कि विरोधियों में भी खलबली मच गई। लेकिन इसी ऐलान के बाद स्वरा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी आ गई। दरअसल उन्होंने जिस शख्स को अपना हमसफर बताया उसे कुछ दिन पहले ही उन्हें भाई कहकर रूबरू कराया था। इस पे कई यूजर लिख रहे हैं, इसी का भाई इसी की जान। दूसरे यूजर्स ने लिखा, कभी भाई कभी जान। आइए जानते हैं कि स्वरा की शादी में कितने पेच हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बखिया किस तरह उधेड़ी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले स्वरा का नाम हिमांशु शर्मा के साथ जुड़ा था। वो बॉलीवुड के जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हैं। आनंद एल रॉय की कई फिल्मों को हिमांशु ने लिखा है। फिल्म रांझा के सेट पर हिमांशु और स्वरा की मुलाकात हुई थी। हालांकि 5 साल तक डेट करने के बाद भी दोनों का रिश्ता मुकाम तक नहीं पहुंच सका और 2019 में उनकी राहें अलग हो गई। अब हाल ही में स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने फहद अहमद के साथ शादी करने की जानकारी दी। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कभी कभी आप किसी ऐसी चीज के लिए दूर दूर तक खोज करते हैं जो आपके ठीक बगल में होती है। हम प्यार की तलाश में थे लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और फिर हमने एक दूसरे को पाया। मेरे दिल में आपका स्वागत है फहद अहमद, यहाँ बहुत शोर है पर यह तुम्हारा है। दोस्तों, अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर फहद अहमद है कौन। तो आपको बता दें कि फहद का फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वह राजनीति की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। इसके अलावा समाजवादी युवा जन सभा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर की शादी की चर्चा सिर्फ फिल्मी जगत में नहीं बल्कि राजनीति में भी हो रही है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर ने जब से अपने लव लाइफ फहद अहमद संग कोर्ट मैरिज की है वे कईयों के निशाने पर हैं। फहद और स्वरा की इंटर रिलीजन मैरिज पर बीजेपी नेता प्राची साध्वी ने निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि या तो स्वरा जल्द घर वापसी करेगी या फिर उनका हाल भी श्रद्धा वालकर की तरह ही होगा। किसी दिन स्वरा भी किसी सूटकेस या फ्रिज में मिलेगी।